एक के ऊपर नीचे आराम से, जल्दबाजी नहीं करनी बिल्कुल भी। ये देख लो भट्टे की बेस यहाँ से शुरू होता है। ये तो इसलिए वहां सारी चीजें यहाँ से समझा रहे हैं इकट्ठे हो गया। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा इसके नीचे भी ईंटे तभी हुई हैं जी। ठीक देखो भाई ये ईट है पक्की हुई। इधर देखो भाई ये देख लो ये ईट पक्की हुई निकलती यहाँ से। सारा भट्टा इतना चौड़ा है वो 42 फुट का और ये 32 लाख का है। एक गेट 32 लाख ईट पकाता है। अच्छा और एक बार में ही 32 लाख भरी जाएंगी और यहाँ से निकालते जाओगे और वहां से आग चलती है वो भी दिखाऊंगा यहाँ। तो इसमें आग के खाने होते हैं जिस तरह से खाने रहे इनमें कोयला पड़े है से उनमें डाले जाओगे और जब तक फिर ये है थोथा मतलब जिसको रास्ता कहते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक जहाँ आँच जाओगी वैसे डिब्बे खोल दिए जाएंगे ऊपर से धुआं निकले। पहले ये नहीं होते थे ये हाइट रहा है ऊपर कण नहीं जाने देता मिट्टी के तोड़ के क्योंकि ये हाइट रहा यही बना के पानी है वो पानी नहीं चलाता कार्बन स्प्रिंग्स को आइटम होते हैं नए सिस्टम से। तो यहाँ ईटें निकल रही आप देखते होंगे पक्के यहाँ निकल जाती हैं और बराई होती है वो आगे और जिसका भी बॉक्स जलाई होगा उसका हेड खुला होगा अगर बीच में से रास्ता वो इंजन चल रहा है बहुत बड़ा पंखा है मतलब 15-20 फुट का वो अपने आप ही खींचता है और सुराख और कहीं नहीं होता जहाँ जड़ाई चल रही है बाकी सब बंद हो जाते हैं वही खोला जाए वो इंजन से खोलते हैं ये ढक्कन है। अच्छा इनके तो ये रहा और अच्छा, इसमें बड़ा आ जाएगा आगे चलते जाएंगे सेम इसी तरह जिस तरह यू अब चल रहे हैं। और ये क्या है जी ये जो ये ढक्कन है जी ये यही तो है जो खींच रहा है। अच्छा इसमें से फिर बाहर जाएगी ये एग्जॉस्ट का काम कर रहा है। तीन सिस्टम है अच्छा, अच्छा। वहाँ पे झोंका जा रहा ना हाँ आके ये खींचता है नाले में लेके जाता ये सब का कनेक्शन है जैसे ये नहीं है इसके इस तरह ठीक इस तरह। ये वो छोड़ जाते हैं
बॉक्स छोटे छोटे जो जो के ये पन्नी भी लगा रहे हैं पन्नी यहाँ से वो जिसको कहते बॉक्स ही समझो यहाँ से मतलब 1,00,000 का एक बॉक्स इसका आगे नहीं आएगी हवा। अच्छा अच्छा यह हवा को रोकने के लिए वो लगा देती है पन्नी और जिसका जहाँ से वो आती है ना जड़ाई उसका ये खुल जाता है। हाँ अच्छा अच्छा इसका ऊपर मुंह है साइफन की तरह डायरेक्ट नहीं है वो मेन है नाला उस नाले में सही जाती जाएंगी है वो नाला होता है साइफन जैसा धीरे धीरे सारे खुलने शुरू हो जाएंगे ये आँच आती है बढ़ जाता महीने में। अच्छा ये तो प्रोसीजर जब तक बरसात नहीं होगी ना हाँ लगातार चलता रहेगा। इसी देखिए इसको बोलते रापस ये देखिए रापस आ जाए तो इसकी रापस को ऊपर से ढका जाता है 1 फुट अच्छा के ऊपर 1 फुट यू डस्ट रखा जाएगा नहीं तो किसी का पार खड़स जावे आवाज आवे तो ये समस्याएं दूर करने के लिए इसको 1 फुट वापस बोलते हैं इसको 1 फुट वापस डाली जाएगी। तो आपके पास सर ये जो वर्कर हैं ये कितने के हैं? एक बच्चे में कम से कम भी 300-350 वर्कर होते हैं। ये तो यूँ मान लो बारिश का महीना छोड़ गए लगातार काम करते ही रहते हैं और लगातार पैसा बहुत महंगे महंगे एक की तनख्वाह जी 15,000 रुपए ऊपर वालों की। ओके जो स्किल्ड वर्कर प्राइवेट में ना उसकी तो 5,000 है ये जो ऊपर काम करते है की 15,000 रुपए वो ट्रेंड है इसका मतलब जो कोला डाल रहे आपका नाम भाई प्रदीप है जी। वाह जी वाह कहाँ से आपका नाम भाई मुस्कदुल है और ये भाई कमन है जी। वाह जी वाह बड़ा हार्ड वर्क करते हो भाई मैं तो अपनी लाइफ में पहली बार देखा भाई भट्टा इस तरह से लगाया जाता है वाकई में हैरतअंगेज चीज भाई। बिल्कुल 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 वाह भाई थैंक यू भाई थैंक यू। बस ईडीपी साहब क्यों परेशान हो रहे कोई बात नहीं ले लिए गए बट डीपी साहब का डेडिकेशन है ये। महक नर्सरी की विजिट के लिए ये प्राध्यापक और उसके बाद बच्चे आएंगे और ये है आपके सामने महक नर्सरी का एक टीम जिसका हम अभी विजिट करेंगे। बहुत ही सुंदर सुंदर मनोहारी छोटे छोटे पौधे उन सभी का अवलोकन आपके सामने करेंगे। आपका क्या नाम है जी? बलवान जी। बलवान जी ये पौधे वगैरह आप ही तैयार करते हो जी? हाँ। अच्छा तो फिर ये तैयार होने में कितना टाइम लगता है वैसे? इसमें लगे 15-20 दिन लगे हैं। 15-20 दिन में तैयार हो जाते हैं? हाँ, कलम तो रहेंगे हाथों से कलम बनती है। हाँ, तो अच्छा चलो बच्चों बहुत ही डिसिप्लिन के साथ में अच्छे से देखनी है ठीक है वेरी गुड। तो छोटे बड़े हर तरह के पौधे मिलते हैं। हाँ। ये अच्छा जिस तरह हम किला जफरगढ़ से आए हैं वहाँ की जमीन में पानी ज्यादा है तो क्यों बताओ कौन सा फूल का पौधा सही रहेगा? फूल कौन सा पानी गुलाब वोट लगा गुलाब वोट लेगा। हाँ जी बस। अच्छा। 4 दिन में 5-5 दिन फूल अच्छा। हाँ। अच्छा इसमें कुछ केमिकल वगैरह भी डालते हो? कुछ माटी जी सिंपल माटी। यहाँ नर्सरी में हमें मिले बलवान जी जो नर्सरी के बारे में पौधों के बारे में काफ़ी बारीकी से समझाते हैं बच्चों को भी और हमने भी बड़ा नज़दीकी से देखा तो आइए और जानकारी लेते हैं।
इनमें फर्क क्या है जी, फर्क बताओ थोड़ा सा। अलग अलग क्वालिटी लगी कुछ ये? ये पुनमाला गुलाब है, पुनमाला बोला हमें। अच्छा ये देखिए जी, हाँ हर कलर में गुलाब है। तो इनके फूल में कोई क्वालिटी में फर्क है, मोटा छोटा ऐसा कुछ? ये अपने हाँ फूल ना फूल इसका जड़ जाओ, देखिएगा इसका जल्दी जड़ जाओ। इससे मैं तो क्लिक कर लेवांगे। बलवान जी ने हमारे स्कूल को ये बहुत ही प्यारा सा गुलाब का पौधा गिफ्ट किया है। हम बलवान जी का बड़ा दिल से धन्यवाद करते हैं। बलवान जी बड़ा धन्यवाद, स्कूल में आपके नाम का ये पौधा हम लगावांगे। ठीक है जी, ओके जी, धन्यवाद जी। और जी सर बढ़िया। ये मारुति सुजुकी सर्विस सेंटर के अंदर बच्चे प्रवेश करते हुए और यहाँ अलग अलग सेगमेंट की सर्विस जो होती है उसके बारे में बताया जाएगा। हाँ 10 किलो 12 किलो, हाँ इसमें 8 किलो है। ये पार्सल है, ये बूट स्पेस बोलते हैं, बूट स्पेस। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? बूट स्पेस। वेरी गुड, और थैंक यू बोला करो। ठीक है, जब कोई आपको जानकारी देता है ना थैंक यू बोला जरूर भी। ये सेंसर है बेटा, ये पीछे है ना, ये दिख रहे हैं, ये सेंसर है। गाड़ी पीछे होगी ना तो ये आवाज देने के शुरू हो जाएगी ना, किलोमीटर के ये इशू है सर। इशू बेटा देखो, ये गाड़ी का ये क्या है, ये गाड़ी का दिल है। अगर गाड़ी का दिल रुक जाएगा तो गाड़ी चलेगी नहीं। ठीक है सर, कितनी महंगी हो इतनी। वाह भाई, क्या नाम आपका? मनीराम जी। थैंक यू, थैंक यू, ओके सर।
पहले ना ये ब्रेक के लिए ना वो नहीं आए थे तार वैसे थे ना सर ब्रेक के लिए अब ना सब सेक्शन दे रखे हैं वो अडेप्टर दे रखे हैं। अच्छा ये मशीन जैसे उस साइड से बैलेंसिंग मशीन। हाँ जी व्हील बैलेंस व्हील बैलेंसिंग व्हील बैलेंसिंग 80-90 की स्पीड में गाड़ी का स्टीयरिंग कम कम आता है ना उसके लिए होता है टायर नहीं खाने पाओगा अनबैलेंस होगी तो टायर खाओगी वो उसके लिए होती है ये हो अलाइनमेंट गाड़ी सीधी चलेगी और कैम्बर कैस्टर इसको सेट करने के लिए होती है और ये साइड में नीचे जो है ये गड्ढा सर काम करने के लिए टक नीचे काम करना मतलब गाड़ी के नीचे अगर कुछ काम करना है मैट की फैक्ट्री का विजिट वल्लभ मैट तमने जब दिखावा तमने बुलानी और बड़े हो गए ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਤਮਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੀ ਸੀਟ ਚਿਪਕਾ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਸੀਟ ਚਿਪਕਤੀ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪੇ ਇਸਕੇ ਬਾਅਦ ਸੀਟ ਜਾਤੀ ਹੈ ਚਿਪਕਤੀ ਹੈ ਸਕਟਰ ਪੇ ਜੋ ਸਾਈਜ਼ ਚਾਹੀਏ ਉਹ ਸਾਈਜ਼ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਜੋ ਕਚਿੰਗ ਹੋਣੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ चिपका के और गद्दी का साइज प्रॉपर बना के ऐसे तैयार हो जाएगा फेविकोल से चिपका हाँ फेविकोल से ये रॉ मटेरियल जो गद्दे के अंदर यूज होते हैं ये बिल्कुल इस तरह से ये सारा कितने बड़े पैमाने पे यूज़ करते हैं और उसके बाद ये अंदर इनके गोदाम्स हैं जो रॉ मटेरियल का है और इस तरफ ये फैक्ट्री के ओनर वाह रॉ मटेरियल वाह जी ठीक है जी एक बार फिर थैंक यू ओके सर एक 60 mm की बनाई जाओ एक 80 mm की एक 40 mm घरेलू यूज के लिए 40 mm की ग्लोब काफ़ी है 60 mm की ग्लोब लगा है छोटी और जो बड़ी होती है गाँव की घरेलू या रोड पर वहाँ लगती है 80 mm उसके बाद
बहुत बहुत।